मेरा सवाल है, सही अल बुखारी की 511 हदीस नंबर है, उसमें ये लिखा है कि नमाज पढ़ते हुए अगर कोई डोंकी, डॉग या फिर कोई लेडी, औरत, जी, 511 ये सुख में समझ। दिस इज अनदर द प्रेयर्स वर मेंशनड बिफोर मी, द सेड प्रेयर इज अनल्ड बाय अ डॉग, अ डोंकी एंड अ वुमन इफ दे पास इन फ्रंट ऑफ द प्रेइंग पीपल। ठीक है ना, अगर वो गुजरे इनकी वजह से। यू हैव मेड अस डॉग्स, आई सॉ द प्रॉफिट प्रेइंग व्हाइल यूज्ड टू लाई इन माय बेड बिटवीन हिम एंड द किबला। यहां दो चीजों में फर्क है, एक है किसी का सामने से गुजरना और एक है किसी का सामने मौजूद होना सुतरा के तौर पर। ये चीज है, इतनी सी बात। तो हजरत आयशा ने बिल्कुल इक्वल उसको जो है रद्द कर दिया उस चीज को, कि ये मुराद नहीं थी कि कुत्ते के बराबर है या फलाना चीजें हैं। ठीक है ना, अगर खुदा ना खास्ता ऐसी चीज होती तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ने खुद अपनी मिसाल देकर कहा कि अल्लाह के रसूल सामने मौजूद होती थी, अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ते थे। एक रवायत के अंदर तो आता है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे के लिए नीचे झुकते थे तो हाथ से उनको इशारा करते थे, वो अपने आप को समेट लेती थी और आप सजदा करते थे और अपनी बाकी की इबादत इबादत जो है उसको पूरा करते थे। ये चीजें मिल जाती है। ठीक है भाई, तो इसमें मुशाबत नहीं है, इसमें सिर्फ सुतरे की बात की गई। अच्छा मैं एक चीज आपको बता दूं वर्मा जी, मिसाल के तौर पर आपने ये समझना है कि मुसलमान जब इबादत करता है ना, तो उस इबादत करते हुए उसके सामने से गुजरना ममनू है, यानी हराम के दर्जे तक अगर कहा जाए तो ये मुबालगा नहीं होगा। क्योंकि हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर तुम्हें पता चल जाए किसी नमाजी के सामने से गुजरने का क्या सजा है तो तुम 40 तक रुके रहो। ये हदीस है बुखारी में या मुस्लिम में या दीगर किताबों के अंदर, तुम 40 तक रुके रहो। अभी कहते हैं अल्लाह के रसूल ने 40 दिन कहा, 40 घंटे कहा, 40 साल कहा या क्या कहा, अगर 40 का लोज बोला क्या आगे से नहीं गुजर सकते। तो मुसलमान नमाज का जो उसका किबला है ये नहायत अहम है, उसकी फोकस है वो नहायत अहम है। और दूसरी चीज ये बड़ी अहम है कि इवन उलमा ने इस पर बहस किया कि अगर नमाज पढ़ते हुए आपके सामने हीटर जल रहा है, यहां तक उलमा ने इस पर बहस की हुई है कि अगर आपके सामने हीटर जल रहा है यानी आग जल रही है तो क्या हम नमाज पढ़ सकते हैं वहां पर। इस तरह की बहस है। तो ये सुतरा से मुतल्लिक समझ लें आप। यहाँ भी जो बाब भी बंद है, इमाम बुखारी ने लिखा, बाबू इस्तकबाल रजुल साहिबहु औ गैरहु फी सलाती हुवा युसल्ली, ये बात की गई है। तो इसमें अच्छा एक और चीज भी, सॉरी एक और चीज भी, सॉरी एक और चीज भी नजर आ रही है। एक मटिया तो मैंने अभी इबारत की तरफ देखा, ये तो एक अंडरस्टैंडिंग है इसकी। यार इसमें एक चीज मुझे नजर आ रही है, वो ये है कि अन्नहु जुकिरा इंद, ये तो मजहूल कौल है जो पेश किया गया इस सनद के अंदर कम अज कम। अच्छा ये जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ वर्मा जी, ताकि आपका एक और तरीके से इस सवाल का जवाब हो जाए। यार मैं एंटर हो जाऊँ, मैं मुझे एंटर होने दें, एक मिनट दीजिएगा वर्मा जी। मैं चाह रहा हूँ चलें इसको ना हम एक और एंगल से भी आपके सामने रख दें, ताकि वर्मा जी हमेशा अच्छा सवाल पूछते हैं और हवाले के साथ पूछते हैं। वो अलग बात है कि सनातन धर्म पर स्ट्रीम में आजकल वर्मा जी नहीं मुझसे मुलाकात कर रहे, शायद नाराज हैं, मुझे पता नहीं। तो एक मिनट किया हुआ मेरे भाई, मुझे आपने आप लॉक किया हुआ भाई, मुझे अपना इशू है वर्मा जी, मुझे तो नहीं याद पड़ता। आपने अगर किसी और आईडी से कार्रवाई डाली हुई है तो वो हो सकता है, बाकी मैंने आपको तो मुझे तो नहीं याद पड़ता मैं ब्लॉक किया। यार ये स्टेज तो खाली करें मुसलमान दोस्त, एक मिनट जरा मुसलमान दोस्त स्टेज खाली करें भाई, रुक जाओ यार रुक जाओ। वर्मा साहब से हमने भी कहा था कि आप अपनी वो आइडियोलॉजी वो लेके आए, आप रब्ता कीजिए, आपके साथ हम स्ट्रीम करेंगे, लेकिन जो है वो वर्मा साहब ने शायद गौर नहीं किया। नहीं वर्मा जी आपको नजर आ रही है हदीस? नहीं अभी तो नहीं आ रही, ये स्क्रीन पे आई आप नजर? हाँ अभी गोल गोल घूम रहा है, लेकिन वो मेरा शायद नेट अभी मुझे तो अभी शो नहीं हो रही, मतलब घूम रहा है शो नहीं हो रही। जुल्फकार भाई दिगर भाइयों को शो हो रही है? ओके ओके हाँ अब हो रही है। 511 बुक 8 हदीस 158 ठीक। वर्मा जी ये हदीस है ना सही बुखारी 511? हाँ जी हाँ जी हाँ ठीक है। अच्छा मैं ना आपको एक चीज पढ़ाने लगा हूँ इसी हदीस में। एक तो मैंने बताया आपके सामने रखी है जिसका जवाब इरदा मैंने दिया था, एक मैं आपके सामने रखा हूँ ये। ये हजरत आयशा नरेट करती हैं कि जो चीजें नमाज तोड़ देती हैं उनका मेरे सामने जिक्र किया गया। बिफोर मी दे सेड, उन्होंने कहा, प्रेयर इज अनल्ड बाय अ डॉग, अ डोंकी एंड अ वुमन। अब एक तो एक्सप्लेनेशन इसकी है कि अगर इसको फिकी मसले को लिया जाए वो है, मगर अगर इस रवायत को हम दरायतन पढ़ते हैं इसका लिटरल मीनिंग, ये अल्लाह के रसूल तो मेंशन ही नहीं कर रहे ये चीजें। जो है हजरत आयशा कर रही हैं, हजरत आयशा कर रही हैं और वो भी कह रही हैं कि उनके सामने किसी ने ये बात की थी तो उन्होंने रद्द किया उसका। हाँ यही जवाब चाहिए था कि मोहम्मद साहब ने इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया या फिर ये सिर्फ हजरत आयशा ने वो कर। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, जो हदीस होती है ना वो दो तरह की होती है, एक होती है मौकूफन और एक होती है मरफू।
मौकूफ का, जैसे ये हदीस है, मौकूफ का मतलब होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट बात नहीं आ रही, बल्कि बीच में सहाबा हैं जो किस्सा बयान कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई कंपेनियन है। और जो मरफू हदीस होती है उसमें होता है कि अल्लाह के रसूल का कौल, अल्लाह के रसूल का जो अमल और कौल है ना वो यहां से शुरू हो रहा है, ये आपने याद रखना है। सॉरी, ये जो, यानी जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है वो शुरू हो रही है यहां से, और जो डोंकी वाली बात है ना, ये वाली, ये बात अल्लाह के रसूल की है ही नहीं है, और इवन हजरत आयशा की भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप खुद पढ़ लो। हाँ, हजरत आयशा की भी नहीं है। अब अरबी में दिखाता हूँ आपको, ताकि जो मुस्लिम है उनके लिए भी ज्यादा आसानी हो जाए। ये देख लें जी, हदीस नंबर 511 है। तो मैंने जब इसको ओपन करके गौर से पढ़ा ना, तो मुझे अब ये एक और चीज निकल कर सामने आ गई कि हजरत आयशा तो कह रही है कि अल्लाह के रसूल का तो कॉल ही नहीं है। ये देखें, हद्दसना इस्माइल इब्न खलील, ये पूरी सनद मुसलमान देख लें, हद्दसना अली इब्न मुसहरिन मुसहरिन अनिल आमश अन मुस्लिम यानी इब्न सुबैहिन अन मसरूकिन अन आयशा रदियल्लाहु अन्हा अन्नहु ज़ुकिरा इंदहू इंदहा। ये देखें, अल्लाह के रसूल का कॉल ही नहीं है, प्रॉफिट मोहम्मद ने तो कहा ही नहीं कि ये औरतें और ये इन चीजों से हो जाती है। अगर इसको आपने ये भी मानना है कि ये ठीक है, तो अल्लाह के रसूल सर की जुबान से तो निकला नहीं है इस हदीस में। अब ये देखें आ रहा है, अन्नहु ज़ुकिरा इंदहा मा यक्ताउ सलाता फकालू यक्ताउहा अल-कल्बु वल-हिमारु वल-मरअतु। ये देखो, ये तो अल्लाह के रसूल का नाम ही नहीं है कि उन्होंने ये बात की हो। तो हजरत आयशा ने बल्कि उनको रद्द किया, हजरत आयशा ने कहा वो तुमने हमें कुत्तों से मिला दिया। लकद रईतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मेरे सामने नमाज पढ़ लिया करते थे, मैं उनके और किबला के बीच में हुआ करती थी। ये देखिए ये जुमला, ये वाला हजरत आयशा ने ये देखिए ये कहा, वह इन्नी लबैना हुआ बैनल किबला थी, मैं और उनके और किबला के बीच में होती थी, अगर नमाज टूट जाती होती तो ये कैसे मुमकिन है। अलबत्ता जो फिकी तौर पर नुकता यहां से निकल कर आता है ना, तो वो ये चीज है कि नमाज के आगे से नहीं गुजरना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन कोई भी चीज गुजरे उससे हो सकती है, ये एक उसकी एक्सप्लेनेशन है। अलबत्ता मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेहतर है। थैंक यू वर्मा जी, आपने मुझे ये हदीस की तरफ एक और अच्छा तवज्जो दिला दी आपकी वजह से, और खुल भी गई और पब्लिक को भी क्लियर हो गया, ठीक है, बल्कि इसमें रिफ्यूट किया जा रहा है उसे। जी, तो मतलब इसमें जो है ये, मतलब आपने बोला कि हजरत आयशा भी नरेट कर रही है और मोहम्मद साहब की कॉल नहीं है, तो ये किसकी कॉल है, मतलब ये क्लैरिटी क्या है कि किसकी कॉल किसकी है ये? हाँ, सनद के अंदर जब भी ये बात होती है ना कि ज़ुकिरा इंदहु मजहूल का सीगा, इंदहा मजहूल का सीगा इस्तेमाल किया जाए, तो यानी ये कहा जाता है कि लोग ऐसे बातें कर रहे थे, हजरत आयशा वहां पहुंची। अब ये क्लियर नहीं है कि ये ओरिजिनल जुमला किसने कहा, मगर यहाँ इस रवायत के मुताबिक 511 के मुताबिक वर्मा जी, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं कहा इस रवायत के मुताबिक ना, लोगों ने सुना, किसी ने कह दिया कि भाई इससे हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा, तो उस पर हजरत आयशा ने कहा कि ये तुम गलत बात कर रहे हो, अल्लाह के रसूल तो इस तरह नमाज पढ़ते थे, उन्होंने दलील दे दी, ठीक है ना। ओके ओके ओके,